السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से, उसकी मदद से आज हम फिर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के लिए अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में और जानने के लिए फिर इकट्ठे हुए। अल्लाह सुभानहु ताला हम सब का आना बैठना, सुनना और सुनाना कबूल करे। अपनी नियतों को खालिस करते हुए, खालिस तन अल्लाह के लिए करते हुए और आइए आज की नशिस्त का आगाज करते हैं। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے مومن پر چھ حقوق ہیں، جب بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے، جب مرے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب دعوت کرے تو قبول کرے، جب ملے تو اس سے سلام کرے، جب اسے چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے، اس کے سامنے موجود رہے یا نہ رہے اس کا خیر خواہ ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 2737۔ آئیے ایک دفعہ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ पिछली नशिस्त में हमने पढ़ा कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में आए और पहली इस्लामिक स्टेट कायम की तो सबसे पहले क्या किया कि मस्जिद नबी की तामीर शुरू करा दी, ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया सब कुछ, और उसके बाद आजान सबसे पहले कैसी दी गई, कैसे हजरत अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्द रब्बा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हों के ख्वाब में उन्होंने आजान सुनी, और कैसे आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और फिर हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कैसे पहली आजान दी। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे बहुत खूबसूरत चैप्टर है और लर्निंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज के फितनों के दौर में सबसे बड़ा फितना यह है कि मुसलमान मुसलमान का दुश्मन होते बैठे, छोटी छोटी बातों को हम पकड़ लेते हैं, बड़े बड़े फसाद कायम करते हैं। आज आप पढ़ेंगे मवाखाते मदीना। मवाखात का लफ्ज अखू से निकला है, अखू होता है भाई, भाई होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ऐसी मिसाल कायम हुई जिसकी मिसाल कभी नहीं मिलती है ना कभी मिलेगी। कैसे महाजरीन मदीन मक्का वहां से हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कैसे यहाँ के लोगों ने मदीना वालों ने उन्हें एक्सेप्ट किया और कैसे हर चीज में उन्हें अपना पार्टनर बनाया। आज अगर आपके मुल्क में किसी और मुल्क के मुसलमान आ जाएं
तो हमारे जहन में क्या आता है कि अल्लाह अब तो ये देखो हमारी जॉब्स भी ले लेंगे, हमारी जगहों पे भी कब्जा कर लेंगे और ये सब कुछ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले सहाबा के दिल कैसे थे, कैसे वो ईमान ले आते थे और कैसे खुश दिली से उन्होंने इस्तकबाल किया, ये वो मिसाल है जो नहीं मिलती। और हमारे लिए अमल का नुकता बहुत बड़ा है कि अपने दिलों में वुसत लाए। जब तक वुसत कल्ब नहीं होगा ना, आप किसी को वेलकम नहीं कर सकते। जब एक मुसलमान का ये पक्का ईमान है कि मेरा रिज्क मेरे अल्लाह ने लिख दिया, जब मुझे पक्का यकीन है ना कि अगर ये पूरी एक प्लेट पड़ी है ना खाने की, लेकिन जितना रिज्क चावल का दाना तक अल्लाह ताला ने मेरे लिए रखा है वो मेरे मुंह में ही जाएगा, तो क्या फिर मेरा दिल बुरा होगा दूसरों के लिए? लेकिन अगर मुझे ये शक पड़ जाए कि हाय अब ये प्लेट है, अब वो ज्यादा खा जाएगी, तो मैं एक चावल के दाने के पीछे लड़ूंगी कि नहीं? बहुत ज्यादा हमने देखा है कई दफा दो दोस्तें होती हैं, बहनें होती हैं, माँ बेटी होती हैं, एक प्लेट में ही खा रहे होते हैं। जो दाना आपके पेट में जाना है ना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई आपसे बोले। अगर हमारा हर चीज में अल्लाह पे ईमान इतना पुख्ता हो जाए तो यकीन जाने तभी हमारे दिलों में वुसअत पैदा होगी। पहले 13 साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम मक्का में रहते रहे और मदीना से जो लोग आए और उनकी तरबियत होती रही, उनका ईमान बिल्ला अल्लाह पे ईमान इतना पुख्ता था कि जब उनके दूसरे मुसलमान बहन और भाई मक्का से हिजरत करके आए तो उन्होंने खुले दिल से एक्सेप्ट किया। अगर उनकी तरबियत ना होती तो क्या वो एक्सेप्टेंस होती? आज हमने दिलों को गुस्सा दे, यकीन जानिए आपके रिस्क का, आपके मुंह का निवाला, आपके तन का कपड़ा, आपका इवन रिश्ता तक कोई नहीं ले सकता जो अल्लाह ने लिख दिया है। और अगर अल्लाह ने आपको नहीं दिया तो कोई आपको दे सकेगा? तो फिर क्या जरूरत है, जो चीज मेरे पास है ही नहीं उसके पीछे मैं लड़ूं, या उसके पीछे बुरा गुमान करके मैं किसी के लिए बुरा चाहूं? आजकल जायदाद के, प्रॉपर्टीज के कितने झगड़े होते हैं और इसके पीछे इतनी ज्यादा लड़ाइयां होती हैं कि बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं एक दूसरे से बात नहीं करते। कल मैं एक वीडियो देख रही थी फेसबुक में और 2 मिनट के लिए मेरा दिल कांप गया कि दो ऐसे शख्स हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर हमें ये पता है ना कि जब हम मर जाएंगे अल्लाह सुबहान तआला के सामने जाएंगे, अल्लाह सुबहान तआला हमसे हिसाब किताब लेंगे, फिर अच्छे अमल होंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरे होंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। दो ऐसे शख्स हैं जिनसे अल्लाह सुबहानो ताला कलाम ही नहीं करेंगे, उनके अमाल को देखेंगे ही नहीं, उनको देखेंगे ही नहीं, इतने नाराज होंगे कि देखेंगे ही नहीं। जब मैंने एकदम से ये सुना तो मैं तो 2 मिनट के लिए अलर्ट होगी कि ये ऐसी कौन सी बात है कि अल्लाह सुबहानो ताला देखेंगे ही नहीं। दो मुसलमान लोग अगर एक जुमेरात से लेके दूसरी जुमेरात तक एक दूसरे से बात ना करें और फोत हो जाए इस हालत में, तो अल्लाह सुबहानो ताला उनके अमाल को देखेगा ही नहीं। और ये इतनी बड़ी बात थी ना कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और हर चीज का एंड फिर यहाँ पे आता है कि मुझे तो अपनी जिंदगी का पता ही नहीं है कि मैं अगले लम्हे रहूं ना रहूं, तो एक हफ्ता नाराज रहना इतनी बड़ी बात। अगर हम चाहते हैं ना कि अल्लाह हमसे राजी हो तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी कुर्बानी किसकी कुर्बानी? अपने नफ्स की कुर्बानी, अपनी अना की कुर्बानी। आज मैं हैरान होती हूँ उनको देख, लोगों को देख के जो कहते हैं महीने हो गए मैंने अपनी बहन से बात नहीं की, भाई से बात नहीं की, या मैंने अपने फलाने जानने वाले से बात नहीं की। हम मुसलमान हो के ऐसा कर सकते हैं? जब भी दिल ना करे ना किसी से बात करने का, ऐसे लोग होते हैं जो आपको इतना दिल दुखाते हैं कि आपका वाकई दिल नहीं करता, लेकिन हमने उन्हें भी सलाम करना है। थोड़ी बहुत बातचीत, ये नहीं कि आप उनसे खुशगप्पियां करें, लेकिन बातचीत, सलाम करना और खैर ख्वाही रखनी कि अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, हमने ऐसा बनना है। और जब शैतान हमारे दिल में ये वसवसा डाले कि नहीं उसने तुम्हारी परवाह नहीं की, उसने तुम्हारा ये नहीं किया, उसने तुम्हारा वो नहीं किया, उसने तुम्हारा हक मारा, तो फिर अपने आप को क्या बताना है? जितना अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा वो कोई नहीं ले सकता। मैं जरूर अपने हक के लिए खड़ी होंगी, लेकिन मैं अपने बहन भाई से नाराज नहीं हूं। आज जो हम पढ़ेंगे, ऐसी अखुवत, ऐसा भाईचारा देखा गया कि हैरान होते हैं।
और जो वाकयात अभी आप पढ़ेंगे, जब मैंने पढ़े तो दिल इतना भारी हुआ कि मैं कितनी छोड़ दिली हूँ कि जरा जरा चीज के पीछे मेरा दिल बुरा हो जाता है अपने बहन भाई से। छोटी सी चीज, उसने खाने की कोई चीज ले ली, उसने मेरा कपड़ा ले लिया, उसने वो ले लिया, इससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं करता। हाँ, कोई बहुत अपर लेवल की हो तो हमने दिलों में आज इरादा करना है कि इंशाल्लाह ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमारे दिलों में आज बहुत वुस्सत पैदा हो जाए और हम सब कुछ वुस्सत से कबूल करेंगे। किसके लिए? अल्लाह। खालिस्तन नीयतें रखें कि हमने अल्लाह के लिए कबूल करना है। इंसारे मदीना जो थे, पहले ये समझ ले कि इंसार कौन थे, जो मदीना के रहने वाले लोग थे, जो वहां के लोकल्स थे, जो वहां के नेटिव्स थे, उन्हें इंसार कहा जाता है, जो वहां के मकामी लोग थे। और इंसार का लफ्ज निकला है नसर से, नून सौद रा उसका रूट है, और नसर का मतलब होता है मददगार, मदद करने वाला। तो वहां के लोगों ने जब महाजरीन की मदद की तो उन्हें क्या कहा गया? इंसार। और महाजरीन कौन थे? जो हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे। आज हम अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं? कई दफा मेरे जहन में, जब ये मैंने टॉपिक पहले भी पढ़ा तो जहन में आया कि हमारे तो ऐसे चांसेस नहीं है कि हम हिजरत करें, लेकिन आज भी एक मोमिन, एक मुसलमान अल्लाह की राह में हिजरत करता है। कैसे? अपने गुनाहों से हिजरत करता है, अपनी बुरी आदतों से हिजरत करता है। और सबसे मुश्किल हिजरत ये, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मेरे दिल में क्या है, लेकिन अगर मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं हिजरत कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये चीज मेरे से खत्म हो, तो मैं हिजरत करें। अपने अंदर पॉइंट्स रखें कि ठीक है, फिजिकली आज मैं हिजरत नहीं कर, लेकिन मैंने अपने गुनाहों से हिजरत जरूर करनी है। इंसार का करम और एक खूबी थी कि वो महाजरीन को अपने घर ठहराने और इनकी मेजबानी करने में एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते थे। वो अल्लाह सुबहान तआला के प्यारे लोग थे, वो ये नहीं चाहते थे कि हाँ पहले कोई ले ले, एक बंदा सारे ले जाए, फिर कोई बचा तो मैं ले जाऊंगा। नहीं, वो आके पकड़े थे कि ये मेरे पास आए, ये मेरे पास आए, मैं इनको अपने घर लेके जाऊं। उनसे पूछा गया कि इंसार को ये नाम किसने दिया है? तो उन्होंने क्या कहा कि ये नाम अल्लाह सुबहान तआला ने खुद मदीना के रहने वालों को दिया है, कि ये इंसार हैं, ये मददगार हैं। सही बुखारी की हदीस है 3776, मौलान बिन जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हों से कि मैंने अंस रजी अल्लाह तआला अन्हों से कहा कि इंसार नाम किसने रखा, आपने खुद रखा या किसी ने नाम रखा? तो कहा अल्लाह ने हमारा नाम अंसार रखा। एक बहुत मशहूर वाकया है जो आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हिजरत करके मेहमान आ रहे थे, महाजिर आ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त खाने को नहीं था। तो उन्होंने एक सहाबी को हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा क्या तुम चाहोगे कि इसकी मेहमान नवाजी तुम आज करो? उन्होंने कहा जी। उस वक्त ये नहीं होता था कि घर में क्या पकेगा, दाल पकेगी, आलू गोश्त बनेगा, या चिकन बनेगा, या बिरयानी बनेगी। उस वक्त ये हालात थे कि घर में कुछ खाने को है भी कि नहीं है। और अरब का ये कल्चर था कि अगर आप खाने की दावत देते हैं तो लाजमी मेजबान को मेहमान के साथ बैठ के खाना होता है, वरना वो समझते हैं कि ये हमारा दुश्मन है या इसके दिल में हमारे लिए कुछ बोझ है। तो वो साहबी घर गए, उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि खाने को कुछ है? उन्होंने कहा सिर्फ एक बंदे का खाना है। उन्होंने कहा अच्छा, तो अब क्या किया जाए? तो बीवी कितनी अल्लाह के करीब थी और कितनी समझदार थी, कहा जब खाना रखूंगी ना तो मैं चिराग जलाने के बहाने चिराग को बुझा दूंगी और आप ऐसे करिएगा जैसे आप खाना खा रहे, तो उन्हें पता नहीं चलेगा और वो खाना हम उन्हें दे देंगे। ऐसा ही हुआ, खाना पेश किया गया, बीवी ने चिराग जलाने के लिए गई और चिराग को बुझा दिया और उन्होंने, उन सहाबी ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो खाना खा रही है। सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रात को तुमने ऐसा क्या किया है? कहते क्या हो गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो उन सहाबी के लिए सूरह हश्र की आयात नाज़िल हुई जिसका तर्जुमा है, और वो लोग जिन्होंने दारे हिजरत में पहले से ठिकाना बनाया और ईमान लाए, तो जो इनके पास हिजरत करके आता है इससे मोहब्बत करते हैं और जो कुछ इन्हें दिया जाए अपने सीनों में इसकी जरूरत महसूस नहीं करते और अपने आप पर औरों को तरजीह देते हैं, ख्वाह इन्हें तंगदस्ती क्यों ना।
क्या कह रहे हैं, अपने आप पर औरों को तरजीह देते हैं, अपने आप को औरों पर तरजीह नहीं देते कि पहले मैं ले लूं बाकी बाद में, अपने आप पर औरों को तरजीह देते हैं। कई दफा देखा होगा आपने कि जो माएं होती है ना, कोई मेहमान आ जाए ना, सर्व कर रही होती हैं, सबकी प्लेटों में जा जाके भर भर के खाना डालेंगे। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उन्हें पता होता है कि खाना थोड़ा था, माँ को बोटी नहीं मिली, तो वो कोई कहे ना कि खाना आपने भी डाला है, नहीं नहीं मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है, बहुत पड़ा हुआ है, तुम लोग खाओ, मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने रखा हुआ अपना, लेता मैं बाद में खाऊं, होता है ऐसे। और जब जाके देखो तो माँ के पास कुछ होता है। तो माए हमारी क्या है, अनुसार। और हर बेटी, माँ, बहू, बहन को क्या होना चाहिए, मददगार। ऐसा नहीं, देखो दो रवैये हैं। मुझे याद है एक दफा एक दावत हुई हमारी फैमिली में, और सब जेठानी, मैं जेठानी, देवरानी, पूरी फैमिली खाना खा रहे, ठीक है, खाना थोड़ा था। और इतनी अच्छी बात मुझे लगी कि खाना सबने खा लिया, तो जो मेरे देवर देवरानी थोड़ा सा लेट खाते हैं, तो मुझे याद नहीं है क्या रीजन थी, लेकिन वो उस वक्त नहीं आया। दो रवैये हो सकते थे उस, अब मेरी देवरानी उस वक्त नहीं थी, मुझे नहीं ये याद कि वो क्या गलती खाया। जब वो आई तो उसने बिल्कुल मुंह नहीं बनाया, उसने कहा हम ऑर्डर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम खा लेते हैं। और दूसरा रवैया क्या था, होता कि वो आती और वो कहती कि मेरी तो इस घर में वैल्यू ही नहीं है, सबने पेट भर के खा लिया है, किसी ने तो मुझे पूछा ही नहीं। बातें जरा जरा होती, और इस बात को कोई बहुत अरसा गुजर गया, ये बहुत पहले की बात है, लेकिन ये बातें घरों में, दिलों में घर कर जाती। मेरे दिल में उसकी कितनी इज्जत बढ़ी, ये घर बनाने वाली औरत। और ये हमेशा याद रखिएगा, हमारी महफिल में ज्यादातर औरतें हैं, घर बनाना और घर बिगाड़ना किसका काम। और यहाँ पे किसके कैरेक्टर दिखाया गया था, एक औरत, एक लफ्ज नहीं बोला, तजवी सोचा कि अच्छा मैं क्या करूँ, किस बेहतर तरीके से मैं इस चीज को सॉल्व कर सकती हूँ, वो की। और ऐसे, और अल्लाह सुबहान ताला हमारे हर अमल को देख रहा है। कई दफा हमें ऐसे लगता है ना कि हम नेकी भी कर रहे हैं यार, कोई नहीं देख रहा, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है, और अल्लाह हर अमल को नोट डाउन भी कर रहा है। और कैसे हो सकता है जो सबसे बड़ा है, जो सब कुछ देखने वाला है, जो सब कुछ देने वाला है, कि वो आपकी जरा बराबर नेकी भी जाया कर दे, वो आपको अजर देगा। वो एक नवाला जो आपने कभी मसलेहतन नहीं खाया, वो एक बात जो आपने किसी का दिल रखने के लिए जब्त करी, वो एक चीज जो आपने घर में लड़ाई ही ना हो नहीं बताई, आपको लगता है कि अल्लाह उस अमल को छोड़ देगा, जाया कर देगा? ना 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 ना, कयामत के दिन ऐसे बहुत से अच्छे अमाल होंगे जो नेक लोग होंगे जो करते हैं और भूल जाते हैं, अल्लाह कहेगा ये भी ले लो, ये भी ले लो, कहेंगे हमने कब की थी, तो कहेंगे वो उस वक्त दिखाया जाएगा, ये उस वक्त तुमने किया था, कहेंगे अल्लाह वब्बर अल्लाह, तुमने तो मेरे एक एक जरे का भी मुझे हिस्सा। अपने अंदर सब्र, अपने आप को हमने क्या बनाना है, इंसार। और इंसार का क्या मतलब है, मददगार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मोहब्बत और एसार को इंसार और महाजरीन में भाईचारा करके मजीद पुख्ता कर दिया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसारी और इसके महाजर मेहमान को भाई करार दिया। ये कुल 90 आदमी थे, कितने आदमी थे, 90 आदमी थे, आधे महाजर थे और आधे इंसार थे। आपने इनके दरमियान गम गुसारी पर और इस बात पर भाईचारा कराया कि कराबतदारों के बजाय वो ही मौत के बाद एक दूसरे के वारिस होंगे। देखिए, जब इस्लाम नया नया आया था और जब फैलना शुरू हुआ था, तब मुसलमानों की क्वांटिटी बहुत कम थी, तो उस वक्त इतना ज्यादा हक दे दिया कि अगर जो भाई भाई है ना, महाजर और अंसार, अगर एक को कुछ हो गया तो इसकी सारी विरासत दूसरे को मिल जाए, विरासत तक में हिस्सा दे दिया। क्यों उस वक्त ये लिया गया, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की क्वांटिटी कम थी, लेकिन जब पूरे पूरे घराने मुसलमान हो गए, तब विरासत के अहकाम भी आ गए थे, फिर विरासत का ये वाला हुक्म जो था ये मनसूख कर दिया गया था। इसके बाद विरासत तो मनसूख कर दी गई, लेकिन भाईचारगी बाकी रही। ये भाईचारगी हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हों के मकाम पर अमल में आई। कहाँ पे ये सारा कुछ हुआ था, हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हों। 90 लोग थे कुल, जिनमें से आधे महाजर थे, आधे अंसार थे, और हजरत अंस बिन मालिक के घर में ये सारा कुछ हुआ।
महाजरीन से इंसार की मोहब्बत ही का नतीजा था कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खजूरों के बागात पेश किए और आप इनके और महाजरीन के दरमियान उन्हें तकसीम फरमा दिया। आपने इनकार फरमाया तो उन्होंने कहा फिर आप लोग काम कर दिया करें और हम फलों में आप लोगों को शरीक कर लेंगे। अब एक इंसार का कैरेक्टर है कि जो सब कुछ अल्लाह की खातिर पेश कर रहे हैं, तो महाजिर क्या कर रहे थे, वो ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे, उनके बागात थे, तो उन्होंने कहा आप हमारे बाग ले जाएं। तो उन्होंने ये पसंद नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं बाग नहीं लेंगे, आप जो फल उसमें होते हैं ना उसमें शरीक कर लें, मतलब कि वो काम करेंगे उसका जो फल आएगा ये समझे एक रेवेन्यू आएगा उसमें आप उनको शरीक कर लें, लेकिन जो बाग है वो आपका ही रहेगा। अगर कोई आपके साथ नेकी कर रहा है या अच्छाई कर रहा है तो आप क्या करें, उसको लूट लें। और आजकल दुख के साथ कहना पड़ता होता यही है, अगर कोई अच्छाई कर दे तो हम कहते हैं आप तो ये भी करो तो वो भी करो तो फलाना भी करो तो ये भी करो तो सब कुछ करो, और बंदा जो है वो परेशान हो जाता है यार मैंने ये किया क्यों। मुसलमान जो होता है ना वो डिग्निफाइड होता है, उसके अंदर जमीर होता है और उसे पता होता है कि कल मैंने भी अल्लाह के हिसाब देना है, वो खुद गर्ज नहीं होता, वो लालची नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी नजर आखिरत पे होता है, वो जरूर लेगा लेकिन उतना जितना सिर्फ उसको जरूरत तक के लिए। हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मालदार अंसार थे, उन्होंने अपने महाजर भाई अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा मेरा माल आधा आधा तकसीम कर लो, मेरी दो बीवियां हैं देख लो, जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो मुझे बतला दो, मैं इसे तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजर जाए तो इससे शादी कर लेंगे। हमेशा याद रखिएगा भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, भूख नफ्स की भी होती है, भूख और तरह की भी होती है। कितना गहरा सोचते थे वो कि सिर्फ हमने उनका पेट नहीं भरना, उनको हर तरह की तस्वीर। तो उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि मेरी दो बीवियां हैं उनमें से तुम देख लो, तुम्हें जो पसंद आती है चूज कर लो, मैं उसे तलाक दे दूंगा, तुम उससे शादी कर लो। अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा अल्लाह आपके अहल और माल में बरकत दे, आप लोगों का बाजार किधर है। उन्होंने कितनी बड़ी पेशकश की, उन्होंने कहा अल्लाह ताला आपके माल में बरकत डाले और अहल में बरकत डाले, बाजार किधर है, क्यों बाजार का पूछा, मैं खुद मेहनत करूंगा और खुद कमाऊंगा। और उन्होंने उन्हें बनू कैनानिका का बाजार बतलाया, वो वापस आए तो इनके पास कुछ फाजिल पनीर और घी था, फिर थोड़ी ही देर गुजरी कि उन्होंने माल भी कमा लिया और एक इंसारी औरत से शादी करी। मदीना में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो याद रखिए कि आपके सामने तीन गिरोह थे। पहला गिरोह था जो मुसलमान हो गए थे, नए नए इस्लाम लेकर आए थे, उनको कहते थे इंसार। दूसरा गिरोह वो था जो वहां पे यहूद रहते थे। यहूदियों को जब पता चला था कि एक नबी आने वाले हैं तो आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट होके मदीना आ गए थे और वहां पे वो बस गए थे। तीसरा जो गिरोह था वो मुशरिक का गिरोह था, जो नॉन मुस्लिम थे और जिनका ओस और खिजरज के कबीले से ताल्लुक था। मदीने में कौन से तीन गिरोह बसे हुए थे? एक वो जो इंसार थे, जो इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके थे न्यू मुस्लिम से। दूसरा वो ग्रोह था जो यहूदियों का था, यहूदियों के आलिम और बड़े बड़े लोग थे वहां पे। और तीसरा ग्रोह था मुशरिक का, नॉन मुस्लिम्स का। और फिर चौथा ग्रोह कौन सा वहां पे आ गया? महाजरीन का, जो हिजरत करके वहां पे आए थे। ये भाईचारा महाजरीन के एक फर्द और इंसार के एक फर्द के दरमियान ताल्लुक कायम करता था, लेकिन मुसलमान मदीना आने के बाद चूंकि एक मुस्तकिल उम्मत बन चुके थे इसलिए इनकी इज्तिमाई तंजीम की भी जरूरत थी, और इन्हें ये भी बतलाना था कि इनके हकूक और इज्तबात क्या हैं, और इन नकात की भी निशानदेही करनी थी जो उन्हें औरों से अलग एक मुस्तकिल उम्मत बनाती है। फिर मदीना में मुसलमानों के अलावा दो जमातें और भी थी जो अकीदे और दीन मसौले की जरूरियात और जज्बात और एहसास में मुसलमानों से यकसर मुख्तलिफ थी, और वो थे मुशरिकीन और यहूद। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहदो पैमान मुसलमानों के माबेन कराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए सबसे पहले आपने क्या किया था? मस्जिद नबी तामीर कराई थी। उसके बाद आपने मवाखाते मदीना, जिसको क्या कहते हैं, इंसार और महाजिर को भाई भाई बनाया था। फिर तीसरा काम क्या क्या था? मिसाके मदीना,
निसाके मदीना है, मदीना को कैसे रेगुलेट किया जाएगा उसके रूल्स लिखे, उसकी लेजिस्लेशन लिखी। अब एक नया इस्लामी माशरा कायम हो गया। जब भी कोई चीज नई नई बनती है ना तो लोग बड़े जोश में होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम सब कुछ देंगे। लेकिन कुछ अर्सा गुजरता है, जब वो जोश कम होता है फिर लोगों को वो लाइबिलिटीज लगना शुरू हो जाती है, हम क्यों करें, हम कैसे करें। बहुत से लोग थे जो इस कोर्स के बिगिनिंग में दे वर वेरी एक्साइटेड, लेकिन ऐसे ऐसे आप देखते जाएंगे कि जब तक हम आखिर तक पहुंचेंगे तो बहुत मुख्तसर से लोग रह जाएंगे, अल्लाह के चुने हुए बंदे। इसी तरह जब भी कोई नई चीज बिल्ड होती है लोग बहुत एक्टिव होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबानी कलामी बातों पे इक्तफा नहीं किया, उन्होंने लिख के एक लेजिस्लेशन, एक रूल बुक बनाई। इसको कहते हैं निसाके मदीना। मवखाते मदीना वो है जब इंसार और महाजिर भाई बहन बनाई थी के, और मिसाक बेसिकली अहद को कहते हैं, और मिसाके मदीना वो है जो रूल्स आप पढ़ेंगे। हमारे लिए बहुत बड़ा अमल का नुकता है कि जब भी किसी चीज की बुनियाद रखी जाए, जबानी कलामी कुछ नहीं, हमेशा नोट करें कि अगर किसी ने पार्टनरशिप की और रूल्स नहीं लिखे, तहरीरी नहीं किया, तो एंड में लड़ के ही उनकी खत्म होती है पार्टनरशिप। कभी भी किसी चीज की आप बुनियाद रखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके रूल्स, उसकी गाइडलाइंस बनानी है। इनके खास नकात ये थे। नंबर एक, कुरैश और यसरब के मोमिनीन और मुस्लिमीन और इनके मातहत होकर इनके साथ चलने वाले और जहाद करने वाले बकिया लोगों से अलग एक उम्मत है। यानी मुसलमानों को आइडेंटिटी दी कि मुसलमान, मोमिन और महाजिर और इंसार ये सब बाकी लोगों से अलहदा हैं। सबसे पहले क्या काम किया कि मुसलमानों को उनकी आइडेंटिटी दी कि मुसलमान हैं, और क्लियर बता दिया कि ये मुस्लिम रियासत है, मुसलमानों का अपर हैंड होगा। दूसरा पॉइंट, इनकी दियत की अदाई और कैदी की रिहाई अहले ईमान के दरमियान हस्बे साबिक होगी, और ये फिदिया और दियत में अहले ईमान की मदद करेंगे। दूसरा पॉइंट था कि माइनॉरिटीज के हकूक भी लिख दिए कि अगर दियत देनी पड़ी, अगर कैदी को रिहाई करानी पड़ी तो सब जो हैं वो उनसे फिदिया कबूल किया जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। ये नहीं कहा कि हम मेजोरिटी हो गए हैं और अब हमारा पर एंड है, बाकी माइनॉरिटी जो मर्जी करे। सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंस बताई कि मुसलमान एक उम्मत बन गए, मुस्लिम आइडेंटिटी दी। दूसरा पॉइंट ये है कि माइनॉरिटीज के हकूक को डिफेंड किया। तीसरा पॉइंट है ये लोग मुफसिद, जालिम और बागी के खिलाफ एक हाथ होकर इन्हें चाहेंगे, चाहे वो इनकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई भी खड़ा होगा तो चाहे वो उनके अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो, सब उनसे लड़ाई करेंगे। अगर पाकिस्तान के लोग हैं, ठीक है, खुदा ना खासा पाकिस्तान पे हमला होता है, तो एज अ नेशन क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, वो एज अ पाकिस्तान ही रिप्रेजेंट करके उस पर लड़ेगा ना। तो यही था कि अगर मदीना पे किसी ने हमला किया तो चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो, मुशरिक हो, उसको जाना पड़ेगा जंग के लिए, उसको अपनी प्रेजेंस देनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट ये है, कोई मोमिन किसी मोमिन को काफिर के बदले कत्ल ना करेगा और ना किसी मोमिन के खिलाफ किसी काफिर की मदद की जाएगी। मोमिन किसी मोमिन को काफिर के बदले कत्ल नहीं कर सकता और ना ही किसी मोमिन के खिलाफ किसी काफिर की मदद की जाएगी। तो क्या आज हम किसी मुसलमान के खिलाफ किसी काफिर की मदद कर सकते हैं? लेकिन हम क्या करते हैं, करते हैं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट मदद कैसे है, मुझे याद है कोर्स के बिगनिंग में हमारी टीचर ने कहा कि आप लोग जाते हैं शादियों में, हो सकता है आप खुद कवर करते हो किसी हद तक या ना करते हो, लेकिन जब आप किसी ऐसी खातून को देखते हैं जो बड़ी अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं और बहुत प्यारी भी लग रही है, आप जाते हैं और आप उससे कॉम्प्लीमेंट, उसने ऐसी ड्रेसिंग नहीं की जो शरीयत के लिहाज से, कुछ भी हो सकता है, ठीक, आप जाते हैं, आप उसे कहते हैं वाह आप कितनी प्यारी लग रही हैं, इतनी अच्छी लग रही हैं, तो अगली दफा जब वो किसी महफिल में आएगी तो उसके जहन में होगा कि मुझे और अच्छा लगना है और शरीयत के खिलाफ ही मैं चलती रहूं, ठीक है। और मेरी टीचर ने मुझे उस दिन समझाया कि अगर आप उस महफिल में जाएं और उसकी कोई तारीफ ना करें, तो क्या अगली दफा वो वैसे ड्रेसअप होकर आएगी? और अगर जो पर्दे में खातून है या शरीयत के अकॉर्डिंगली जिसने ड्रेसअप किया हुआ है, सब लोग उसको प्रेज करना शुरू करें,
वाओ यू आर लुकिंग सो नाइस, यू आर लुकिंग सो स्टनिंग, तो अपर हैंड किसका हो गया? हम लोग इनडायरेक्टली अपने ही मुसलमानों के जड़ें काट रहे हैं। लोगों का एक टास्क है, आप लोगों ने अपने आप को एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ इनडायरेक्ट सेंस में मैं जड़ें काटती हूँ। यकीन जाने जब इसमें मैंने वर्किंग की थी तो मुझे इतने ज्यादा पॉइंट मिले कि मैं तो इनडायरेक्टली ये भी कह देती हूँ, ये भी कह देती हूँ, ये भी कह देती हूँ, तो इनडायरेक्टली तो मेरा काम बहुत ज्यादा जा रहा है। और ये वो इनडायरेक्ट काम है जो हमें मुनाफिक बनाते, जो हमें पता भी नहीं है लेकिन हम मुनाफिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगला पॉइंट है, अल्लाह का जिम्मा एक है लिहाजा एक मामूली आदमी का दिया हुआ जिम्मा भी सारे मुसलमानों पर लागू होगा। जो यहूद मुसलमानों के पैरोकार हो जाएं इनकी मदद की जाएगी और वो दूसरे मुसलमानों की तरह होंगे। यानी जो मुसलमान नहीं है लेकिन मुसलमानों का हेल्पर है, हम उसकी मदद करेंगे। आपने देखा था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे तो एक इस्लाम दोस्त था जिन्होंने रास्ता दिखाया था। तो फिर क्या है, अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो हम भी उनकी मदद करेंगे। मुसलमान की सुलह एक होगी, यानी एक मुसलमान ने एक पीस ट्रीटी किया तो सब मुसलमान उसको मानेंगे। जो किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर दे इससे कसास लिया जाएगा सिवाय इस सूरत के मक्तूल के वाली राजी हो जाए, और अहले ईमान पर जरूरी है कि सब कातिल के खिलाफ उठ खड़े हों। पुराने पाक में की आयत है सूरह बकरा में कहा गया है कि कसास में जिंदगी है। कसास का पूरा रॉ है इस्लाम में कि अगर किसी को कत्ल कर दिया गया है तो आप जान के बदले जान लेंगे, आजाद के बदले आजाद लेंगे, गुलाम के बदले गुलाम लेंगे, और अगर वो माफ कर देते हैं और आपसे ब्लड मनी चार्ज करते हैं तो आप वो देंगे। और ये क्यों कहा गया कि कसास में जिंदगी है, क्योंकि जब ऐसे रूल्स होंगे तो अगला बंदा डरेगा किसी को कत्ल करते हुए कि मुझे या तो अपनी जान देनी पड़ेगी या कुछ मुझे तो इन रिटर्न देना पड़ेगा। किसी मोमिन के लिए, किसी मोमिन के लिए हलाल नहीं कि किसी हंगामा बरपा करने वाले या बिद्दती की मदद करे या इससे ठिकाना मुहैया करे, और इनके दरमियान किसी बात में इख्तलाफ हो तो इसे अल्लाह और इसके रसूल की तरफ लौटाया जा सकता है। मुसलमानों की लेजिस्लेशन मदीना का लॉ सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, जिसमें मेजोरिटी के हकूक भी रखे। मेजोरिटी कौन थी? मुसलमान जो बढ़ने थे, जो बढ़ चुके थे उनको अपर हैंड दिया गया। और माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज कौन थे? यहूद और मुशरिक औस और खिजरज के लोग जो वहां थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डंडे से क्यों इस्लाम क्यों नहीं किया? अब नहीं, या मुशरिक तो कोई रह ही नहीं सकता। हमारे लिए एग्जाम्पल है कि अगर आप एक मुस्लिम सोसाइटी में हैं, आप जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं कर सकते। आप जरूर तबलीग कीजिए लेकिन आप डंडे पे नहीं कर सकते। अगर वहां पे यहूद भी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनके आगे डीलिंग्स आप पढ़ेंगे, उनके साथ जंगें भी हुई वो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इज्जतों को भी महफूज किया। ये है खूबसूरत दीन। और अरब में पहले ऐसा होता था कि अगर दो कबीले लड़ पड़े हैं तो वो कोई लिहाज नहीं करते थे, ना बीवी का, ना बच्चों का, ना इज्जतों का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बेहतरीन लीडर थे, कितने बेहतरीन मैनेज करने वाले थे। और अगर देखा जाए कहने को तो वो उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अल्लाह सुभान व तआला के नबी थे। ये इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करने से हमें यकीन होता है कि अल्लाह सुभान व तआला के वो नबी थे। सब कुछ अल्लाह सुभान व तआला ने उन्हें सिखा दिया और हमारे लिए रोल मॉडल है। आज हमने अगर कोई भी चीज बिल्ड करनी है तो हमने क्या शुक्र ही कर लेनी है? नहीं, हमने प्रॉपर उसके रूल्स रखने और उसमें हमने अपने ऐसे इंसान, ऐसे लोग जो अभी तक ईमान की तरफ नहीं आए, अल्लाह की तरफ नहीं आए, उनको जगह देनी है। यस, अगर वो ऐसे हैं जो आपके दीन में शर पैदा नहीं कर रहे, ऐसे हैं जो आपको तंग नहीं कर रहे, तो आपने भी उनको स्पेस देनी है। इस एदो पैमा के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकात और मौके पे मुसलमानों से इस्लामी अखुवत का हक भी बयान फरमाया। उन्हें बाहम तआवुन और मदद, इत्तेहाद और यगानगत और गमगुसारी और कब्रगिरी की तरगीब दी, यहाँ तक कि ये अखुवत तारीख की सबसे बुलंद चोटी तक पहुंच गई। बाकी रहे मुशरिकीन तो इनका मामला चल चलाओ पर था,
इनकी अक्सरियत अपने सरदारों और बड़ों समेत मुसलमान हो चुकी थी और इनमें इतनी सख्त ना थी कि मुसलमानों के मदे मुकाबले खड़े हो सकते। लिहाजा इनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहद दिया, कोई मुशरिक कुरैश की जानो माल को पनाह ना देगा और ना किसी मोमिन के आगे इसकी हिफाजत के लिए रुकावट बन सकेगा। अभी जो हमने पढ़े थे रूल्स, वो क्या था? मीसाक के मदीना। आगे थोड़े से रूल्स हैं जो रिलीजियस फ्रीडम देते हैं नॉन मुस्लिम्स को। अभी जो रूल्स हैं वो मुस्लिम्स के लिए थे एग्जैक्ट, कि मुस्लिम ऐसे हैं तो उन्होंने ये फॉलो करने हैं। अब जो रूल्स बनाए गए वो थे यहूद के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया यहूद भी थे और वहां पे मुशरिक भी थे। पहला रूल था यहूद मुसलमानों के साथ एक उम्मत होंगे, इनके लिए इनका दीन और मुसलमानों के लिए मुसलमानों का दीन होगा, इनके जिम्मे इनका खर्च होगा और मुसलमानों के जिम्मे मुसलमानों का खर्च होगा। और इसी पे एक सूरत है कुरान की, सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला आना आबिदुम मा आबदतु वला अंतुम आबिदूना मा आबुद लकुम दीनकुम वलिया। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मैं तुम्हारे माबूदों को नहीं पूछूंगा, मेरे लिए मेरा दिन, तुम मेरे दिन। ये हमें क्या सिखा रहा है कि अगर वी हैव टू लिव इन अ सोसाइटी, जाहिर अगर आप बाहर जाएंगे वहां रहेंगे, वहां नॉन मुस्लिम्स भी होंगे, तो आपने कैसे रहना है? आपने अपने रिलीजन को नहीं छोड़ना और उनके रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर देना। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। जो ताकत इस मौदे के किसी भी फरीक से जंग करेगा या यसरब पर हमला आवर होगी, सब इसके खिलाफ आपस में तआवुन करेंगे और एक अपनी जानिब का दिफा करेगा। सब क्या होंगे? एक हो जाएंगे, चाहे यहूदी हो चाहे मुसलमान हो, जो पहले एग्जांपल में आपको दे चुकी हूँ। इस मुआहदे के शुरका के दरमियान खैर ख्वाही, खैर अंदेशी और नेकोकारी के ताल्लुकात होंगे, गुनाह के नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम जब किसी भी चीज में आगे बढ़ते हैं ना, हम लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। अगर मैंने फॉर इंस्टेंस किसी क्रिश्चियन के साथ रहना है, किसी यहूदी के साथ रहना है, किसी मुशरिक के साथ रहना है, मैंने एक लाइन बिल्डअप रखनी है, जो मेरी शरीयत है, जो मेरे रूल्स है, मैं उसके लिए उसको तोड़ूंगी? आप खैर खुशी के लिए तो उसके साथ शरीक होंगे, लेकिन गुनाह के लिए शरीक नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि वो आपके सामने शराब पी रहा है और आप भी उसी महफिल में मौजूद है, वो आपके सामने गलत कपड़े पहन के या गलत बातें कर रहा है और आप उस महफिल में, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी खैर का हूँ, अगर तुम्हें खाने पीने अमन अमान में कोई चीज चाहिए मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन गुनाह में शिरकत कर सकती हूँ? और आजकल का जो कल्चर बन गया है कि हम उनके गुनाहों में शरीक हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? हमें गुनाह गुनाह नहीं लगता और आहिस्ता आहिस्ता आपका ईमान खराब होना शुरू हो जाता है। बहुत क्लियर बात है कि अगर बाहर के मुल्क में रहना है तो अपने घर के रूल्स, अपनी चीजें, अपने इस्लाम को आपने डिग्निफाइड लाजमी रखना है। इस मौदे की शुरुआत के दरमियान खैर खोई, खैर अंदेशी और निकोकारी के ताल्लुकात होंगे, गुनाह के नहीं। आदमी अपने हलीफ के जुर्म में नहीं पकड़ा जाएगा, अगर किसी के दोस्त ने कोई जुर्म किया है तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा, मजलूम की मदद की जाएगी, चाहे वो मुसलमान होगा, यहूद होगा, मुशरिक होगा, उसकी मदद की जाएगी। जब तक जंग बरपा रहेगी, यहूद भी मुसलमानों के साथ हर्द बर्दाश्त करेंगे। इस माहौदे की शुरका पर यसरब में हंगामा आराई और कुछ तो खून हराम होगा, और अगर इनमें कोई हंगामा या झगड़ा बरपा हो जाए तो इसका फैसला अल्लाह और इसके रसूल करेंगे। कोई भी फैसला जो हतमी होगा वो किसका होगा? अल्लाह का और उसके रसूल का। और अभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए और अगर हमें कोई फैसला लेना पड़े तो हमें शरीयत को देखना पड़ेगा। कुरैश और इनके मददगारों को पनाह नहीं दी जाएगी और ये मौईदा किसी जालिम या मुजरिम के लिए आड़ ना बनेगा। अगर किसी ने जुल्म लिया है तो वो इसके पीछे पनाह नहीं पा सकेगा। इस करारदाद के जरिए से यसरब के सारे बाशिंदे मुसलमान, मुशरिकीन और यहूद एक ही वहादत की लड़ी में पिरो दिए गए। दो चीजें होती हैं, या तो अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, सब अलहदा होते हैं, बिखर जाते हैं कि ये मुसलमान है, ये यहूद है, ये मुशरिक है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि नहीं, अगर एक जगह चलानी है, एक मुल्क चलाना है, कैसे सबको एक लड़ी में पिरो दिया, सबको उनके राइट्स दे दिए और अलहदा अलहदा किया? और ये कितनी खूबसूरत लाइन है, इसको तो वाकई जेम बना के लिख लेना चाहिए कि हमें शुरका के दरमियान खैर ख्वाही, खैर अंदेशी और नेकोकारी के ताल्लुकात होंगे, लेकिन गुनाह के नहीं होंगे।
और यही बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि मैं ये नहीं कि कोई मेरी अहले किताब है या कोई मुशरिक भी है, मैं उससे ग्रज रखूं, मैं उसको बुरा समझूं, नहीं। खैर ख्वाह तो मैं उसकी तब भी होंगी क्योंकि वो एक इंसान है, लेकिन गुनाह के ताल्लुकात नहीं होंगे। ये तो जैम बनाने वाली बात है। इसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान दावत इल्लाह के काम में सरगर्म हो गए। जैसे ही ये लेजिस्लेशन बन गई, ये रूल्स बन गए, उसके बाद क्या किया, फौरन अल्लाह की तरफ दावत देने में सरगर्म हो गए। रूल्स पहले क्यों बनाए, ताकि जब अल्लाह की तरफ दावत देने जाए, आगे आप पढ़ेंगे, अब जंग गजवात सीरिया शुरू हो जाएंगे, ताकि पीछे से एक निजाम चलता रहे और उनको उनके रूल्स पता हों। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों और गैर मुसलमानों की मजालिस में तशरीफ ले जाते, इनके सामने कलाम अल्लाह की आयात तिलावत फरमाते, अल्लाह की तरफ बिलाते और जो ईमान लेता इसका तज़किया फरमाते और इसे किताब और हिकमत सिखाते। सबसे बुरी महफिल वो होती है जिसमें अल्लाह का नाम ना लिया जाए, किसी भी महफिल में हो, अपने लिए एक पॉइंट बना दे। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप आलिम हो, आप किसी भी महफिल में जाते हैं तो उस महफिल का हक ये जरूर है कि आप खाएं पिए एंजॉय करें, लेकिन ये एक छोटी सी प्यारी सी अल्लाह की बात कर रहा है जो वहां पे बैठे हुए लोगों को तस्किया सोचने पे मजबूर कर दे, इसके बाद तो कुछ थी। और अगर मैं जाऊं किसी जगह और मैं खाऊं पीऊं और करके और अल्लाह की बात ही ना, और आज उस महफिल का क्या फायदा। हम आज एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गए हैं, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, आज से मैं उस दर्स में नहीं जाऊंगी, उन आंटी ने मुझे कहा मेरी नमाज सही नहीं, आज ना मैं नहीं जाऊंगी, वो जब मैं जाती हूँ वो मुझे ना तबलीग करना शुरू कर देती है, कहती है दुपट्टा करो सर पे, वो मुझे ये करो। किसी ने चलो ये बात नहीं की या जरा सी आपकी पर्सनैलिटी पे या आपके बारे में कोई बात करी, तो हम उसको इस्लाह के लिए नहीं यूज करते, हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गए। याद रखिए, अगर हमने दीन का काम करना है, अगर हमने अल्लाह का काम करना है, अगर हमने अल्लाह के लिए खड़ा होना है, तो दीन की दावत देने वाला सेंसिटिव नहीं हो सकता। पहली बात है, सेंसिटिविटी कहाँ पे खत्म हो जाती है, ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रही हूँ। जब मुझे ये पता है कि ये खालिस में तो अल्लाह के लिए कर रही, तब सेंसिटिविटी खत्म। मेरी जात में फ्लॉज हैं, एक्सेप्टेड, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मेरी गुफ्तार में फ्लॉज होंगे, मेरे अखबार में होंगे, मेरे अखबार में होंगे, लेकिन अल्लाह की किताब में, अल्लाह की बातों में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में नहीं। दूसरी बात पल्लू से बांध ले कि किसी दीन फॉलो करने वाले बंदे को देख के दीन को मत एनालाइज कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है कि देखो वो दीनदार है, वो खुद तो ऐसे करती है। भैया आपने उस बंदे को फॉलो नहीं करना, आपने तो अल्लाह की किताब को फॉलो करना है। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, और ये बात याद रखिए कि जो दीन को फॉलो कर रहा है वो गरीब भी तो इंसान ही है, वो भी तो आप जैसा बशर है, वो भी गलत कर देगा, उससे भी गलती हो जाएगी, तो किसी के पीछे क्या आपने अपने दीन को खराब करना है। और पूरा समप अगर किया जाए, हमेशा सिर्फ एक बात याद रखें, मैंने अपनी कब्र में जाना है। ये तो इतना बड़ा बड़ा अगर लगा हो ना हमारे सामने, लिटरली कोई रिएक्शन तो बनता ही नहीं किसी भी बात। कोई मेरे सामने खड़ा होकर मुझे गालियां ही दे रहा हो, मुझे बद किरदार ही कह रहा हो, मेरी इज्जत की धज्जियां ही उड़ा रहा हो, तो मुझे तो आगे से बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो अपनी कब्र में जाना है। एंड हम सब वी आर आंसरेबल टू अल्लाह सुभान व तआला, नॉट टू पीपल। सीरत इतनी जबरदस्त आपका तज़किया करता है ना, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको फायदा होगा, लेकिन इससे मुझे तो बड़ा फायदा हो रहा है। आप ईमान के लेवल्स बढ़ते जाते हैं, और जहां जहां पे खुद ईगो मेरी, मेरी अना, मेरा अपना आप मेरे आगे खड़ा होता है, वहीं पे एक बड़ा सा क्रॉस लग जाता है कि तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम्हारी औकात क्या है, तुम एक गंदे पानी के कतरे से बनने वाली हो, जो मिट्टी था, कीचड़ था, कीचड़ वाली मिट्टी से बनी हुई हो, और लोथड़ा था, गोश्त था, और फिर उससे अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी और तुम बन गई, तुम हो क्या, एक गंदे पानी की बूंद से बनता है इंसान, ये मेरी हकीकत है, ये मुझे याद रखना चाहिए। उससे ऊपर जितना कुछ अगर मेरे पास है वो किसकी मेहरबानी है, मेरे अल्लाह की।
मांगना है, कोई अच्छा लगता है, किसी की बात अच्छी लगती है, किसी की मांगे अल्लाह से खुल के, या अल्लाह तूने मेरे इस बहन या भाई को ये चीज अता की है, तू मुझे भी तो दे दे, इसमें भी बरकत डाल, इसके बाद जो है इसमें बरकत डाल, इसमें और मुझे भी दे दे। लेकिन हसद नहीं करनी, तोड़ना नहीं है, जवाब नहीं देना, मुस्ते कल्ब रखना है और इंसार बनना है इंशाल्लाह। हम सबको अल्लाह के दीन का मददगार बनना है, और सबसे पहले हमें अपना मददगार बनना है, अपना तज़किया नफ्स करके, अपनी गलतियों को सोच के समझ के कि हाँ मैं गलत हूँ। सबसे मुश्किल पता है ये कहना है कि मैं गलत, मेरे अंदर ये बुराई है, और जब बुराइयां नजर आना शुरू होंगी तो फिर उन पे काम शुरू होगा, और जब काम शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी से वो निकलती जाएंगी। आज आपके घर में दावत होगी और खाना खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोग लड़ेंगे? अगर यहाँ पे कोई खाना आ जाएगा और किसी को एक गुठी ज्यादा मिल गई और एक गुठी कम मिल गई तो लड़ेंगे? मेरा जितना रिस्क था अल्लाह ने मुझे दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको दे। और आप यकीन जाने अल्लाह किसी का जरा भी नहीं रखता, अल्लाह दूसरे ही लम्हे आपको उससे बेहतरीन चीज अता कर देता। ये तो आजमाई हुई बात। एक खातून थी और वो ऐसे ही करती थी कि वो अपनी प्लेट में कुछ नहीं डालती थी और बच्चों को देती थी और सारों को, उनके बच्चे छोटे थे उनको समझ नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे उनके बड़े हो गए तो बच्चों ने देखा कि माँ की तो ये आदत ही है कि खुद नहीं लेगी और बच्चों को डाल के देगी और खुद बेचारी खाएगी या नहीं खाएगी, ये कहेगी कि मुझे तो भूख ही नहीं और बैठ जाएगी। तो अल्लाह ने इनाम ऐसा दिया कि बच्चों को माँ के बारे में पता चल गया, और आहिस्ता फिर वो क्या करते थे कि सब अपनी प्लेट में से एक एक बोटी निकाल के माँ की प्लेट में रख दे, तो माँ के पास इतना हो जाता कि उसे खाने ना होता। और ये एग्जाम्पल है मेरी अपनी माँ की। अगर आपके ऐसे हैं इंसान घर में तो हमने उनका ख्याल रखना है, मिलके खाना है और उनके साथ बेहतरीन सलूक करना है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी हम भी बड़े होंगे, बहुएं बनेंगे, उसके बाद नानियां बनेंगी, दादियां बनेंगी, आगे बहुत से मरहलों में आजमाए जाएंगे, तो हमने भी ऐसा ही करना है। और इंशाल्लाह हमारी औलादें भी ऐसी होंगी जो अपनी अपनी प्लेट से एक एक बोटी निकाल के हमारी प्लेट में रख देगी और फिर हम सब की प्लेटें भरी रहेंगी। जब हम किसी की प्लेट भरते हैं ना, या किसी की किसी भी चीज को भरते हैं, तो याद रखिए अल्लाह ताला हमारी इज्जतों को, हमारे पेटों को, हमारे ईमानों को। इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुभान व तआला हम सबको अंसार बनने की तौफीक दे, हम सब बेहतरीन तरीके से दीन का काम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेहतरीन तरीके हमें बताए हैं, जो बेहतरीन अमल के मोती हमें बताए हैं, और हमें जब पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन लीडर थे, हम उन पॉइंट्स को नोट करें, उनको फॉलो करें और इंसानियत के खैर ख्वाह बने, सिर्फ मुसलमानों के नहीं इंसानियत के खैर ख्वाह बने, क्योंकि ये इंसान का इंसान पे हक है। अल्लाह सुभान व तआला आपसे मुझसे राजी हो, पढ़ने में पढ़ाने में जो गलती हुई है उसे माफ फरमाए। अल्लाह सुभान व तआला हमारे दिल को खोल दे, हमें हुस्ते कल्ब अता करे और हम बेहतरीन सीरत को फॉलो करने वाले हो जाएं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही وصحبه وسلم.